बाद दांव पर लगी भगवंत मान की कुर्सी। पंजाब के चार मंत्रियों ने भगवंत मान को खदेड़ा। पंजाब आम आदमी पार्टी में बवाल, मान की कुर्सी पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमिक न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। क्या दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का सियासी खेल बिगड़ गया है? क्या भगवंत मान की भी कुर्सी हिलने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब सरकार में उठापटक शुरू हो गई है और भगवंत मान के चार मंत्री इस्तीफा देकर भाग गए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई है, पंजाब आम आदमी पार्टी में कोहराम मच गया। दरअसल ब्रह्म शंकर जिम्मा, अनमोल गगन मान, चेतन सिंह और बेकार सिंह ने भगवंत मान कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मंत्रियों के फेरबदल के साथ ही अन्य बदलाव भी किए जा सकते हैं। इस्तीफा देने वाले चार मंत्रियों की जगह पांच नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। हरदीप सिंह मुंडियान, तरुण प्रीत, एस सोन, बरिंदर गोयल और मोहिंदर भगत को कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो भगवंत मान कैबिनेट से चार मंत्रियों ने क्यों इस्तीफा दिया, इसकी वजह अभी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन कयास ही लगाए जा रहे हैं कि काफी वक्त से अंदर खाने सरकार में उठापटक मची हुई थी, आप नेता भगवंत मान से नाराज चल रहे थे, इसलिए वक्त रहते इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग कोई और बड़ा भी कदम उठा सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन चारों मंत्रियों के पास सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। तो ऐसे में सवाल यही है कि जब इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय ये मंत्री संभाल रहे थे, तो अचानक कौन सी नौबत आ गई कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा? क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये लोग केजरीवाल के इस्तीफे के दौरान ही इस्तीफा देने वाले थे, ये खबरें भी तेजी से आ रही हैं। लेकिन दिल्ली की सियासी उठापटक के बीच रुक गए और अब भगवंत मान सरकार में फेरबदल कर लिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पंजाब में उपचुनाव और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें देखते हुए ये फेरबदल भगवंत मान पहले ही करने वाले थे। अब जिन मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, पंजाब के ये मंत्री भगवंत मान सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भगवंत मान ने अपनी ओएसडी ओमकार सिंह को भी पद से हटा दिया है। हालांकि अभी तक कारण साफ नहीं हो पाया है कि क्यों ओएसडी को हटाया गया है, लेकिन ये पद काफी जरूरी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ही मुख्यमंत्री कार्यालय के सारे कामकाज संभालते हैं, साथ ही जरूरी मुद्दों पर मुख्यमंत्री को सलाह भी देते हैं। ओएसडी ओमकार सिंह को हटाने का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ओमकार सिंह मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी दोस्त हैं, धुरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। साल 2022 में उनको वफादारी का इनाम भी मिला था, के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया। लेकिन जब ओंकार सिंह वफादार थे तो अचानक क्यों उनकी छुट्टी कर दी गई? इससे बड़ी बात तो ये है कि ओंकार सिंह मुख्यमंत्री भगवंत मान के धुरी विधानसभा क्षेत्र और सीएम की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर की राजनीतिक गतिविधियों की भी देखरेख करते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भगवंत मान ने पद से ही हटा दिया? इन सवालों ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भगवंत मान सरकार पर बड़ा सियासी संकट आ चुका है और उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस तरीके से पंजाब में कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, उस पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।